हाईवे पर दबी गाड़ी, पहाड़ी से भरभरा कर गिरा मलबा, पहली बारिश ने मचाया तांडव, मानसून ने इस बार कुछ अजीब तरीके से दस्तक दी है, जिसके चलते उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तबाही के मंजर दिखने लगे हैं। ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 534 की है, जहां तेज बारिश के बाद मलबा आ गया है। मलबा आने से सड़क से गुजर रहा एक मैक्स वाहन इसकी चपेट में आ गया। शनिवार देर शाम कोटद्वार दुगड्डा के बीच 5वीं मील के पास एक वाहन लैंडस्लाइड का शिकार हो गया। गाड़ी में 9 लोग सवार थे। वक्त रहते पुलिस ने 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया, जिनमें से 4 लोग घायल हो गए। वहीं एक यात्री मलबे में ही दफन हो गया। वाहन दबने की सूचना मिलते ही SDRF के जवान मौके पर पहुंचे, जिसके बाद रेस्क्यू किया गया और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। वहीं मलबा आने से हाईवे पर आवाजाही भी बाधित हो गई। नेशनल हाईवे 534 पौड़ी जिले को मेरठ से जोड़ता है। आपको बता दें कि शनिवार को दोपहर के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश शुरू हो गई, जिस कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बहने वाले नदी नाले उफान पर थे। नेशनल हाईवे 534 पर कोटद्वार दुगड्डा के बीच 5वीं मील पर बहने वाला नाला भी उफान पर बह रहा था, जिस कारण पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से नाले के दोनों शोर पर ट्रैफिक को रोक दिया था। इसी बीच नाले से पहले पहाड़ी से भूस्खलन हो गया, जिसमें एक मैक्स वाहन मलबे के साथ सड़क से नीचे गिर गया। पुलिस के मुताबिक घटना के दौरान एक व्यक्ति वाहन में ही फंसा रह गया और बाकी लोग वाहन से उतर गए थे। कल रात एक गाड़ी में मलबा गिरा था, जिसमें 3 लोग तो घायल अवस्था में निकाले गए थे और बाकी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। एक आदमी मिसिंग चल रहा था। इसमें हम लोग रात से ही सर्चिंग अभियान पे लगे हुए थे। आज सुबह SDRF की टीम और हमारी स्थानीय पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति जो मिसिंग था, जिसका नाम असलम था, उसको निकाला गया है, जो कि मृत अवस्था में है। उसको हमने मोर्चरी भिजवा दिया गया है। इसके लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी लगातार फोर्स पे जो ऐसे जोन है, डेंजर जोन है, इसमें फोर्स लगा रखी है हम लोगों ने, और लगातार हम लोग इस पर दस्ती रखे हुए हैं सब। वहीं पॉकलैंड मशीन और JCB मशीन सड़क पर पड़े मलबे को हटाने का काम कर रही है। मौके पर पहुंचे SDRF जवानों ने रेस्क्यू करके मलबे में दफन शव को कड़ी मशक्कत से निकाला। मृतक की शिनाख्त बिजनौर निवासी असलम के रूप में हुई है। SDRF टीम के प्रभारी ने बताया कि रेस्क्यू करने में जवानों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये मामला कल हुआ था, ये दुर्घटना घटी थी यहाँ पे। तो जो कुछ बहुत लोग थे, इसमें 8-9 लोग थे, जिसमें से 8 लोग तो निकल गए थे, और उसमें से एक मिस बता रहे थे कल ही से कि एक मिस है, जिसकी खोजबीन कर रहे थे, नहीं मिला। तो गाड़ी नीचे मलबे के साथ चली गई थी, मलबे के साथ वो गाड़ी में ही वो आदमी नीचे चला गया था। तो उसको कल रात देर रात होगी, तो हम लोगों ने फिर रेस्क्यू, खतरनाक हो रहा था यहाँ पर, तो नहीं कर पाए। तो सुबह मॉर्निंग में आए हम लोगों ने फिर नीचे अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेके गए। डॉक्यूमेंट के साथ साथ हमने फिर वहाँ पे उसकी ऊपर डेंजर हो रखा था, पत्थर भी आ रहे थे ऊपर से, लेकिन अपने डिस्क लेके हमने उसको गाड़ी को देखा, थोड़ा सा दिखाई दिया था, फिर मलबा हटा के फिर उसकी गाड़ी की बॉडी काट के कटर से, अपने कटर से बॉडी को काट के, फिर धीरे धीरे उसके सीट उट काट के पूरी बॉडी को किनार करके तब का बाहर निकाले, वो बॉडी मिल गई थी। तो उनके फिर हमने सुपुर्द कर दिया है, उनके घर वाले भी आ रखे थे, घर वालों को हमने बता दिया कि बॉडी आपकी है, फिर हमने पुलिस के सुपुर्द कर दिया कि आप इसको आगे की कार्रवाई जो होगी वो करेंगे। बारिश के बाद कोटद्वार दुगड्डा के बीच 5वीं मील पर हर साल हादसे होते हैं। लगातार बरसात से 5वीं मील प्रभावित रहता है, जिस वजह से आवाजाही करने में भी यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मानसूनी बरसात के पहले ही दौर में जब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, तो आने वाले दिनों में लगातार बारिश से उत्तराखंड की सड़कें कितनी प्रभावित होती हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोटद्वार से विकास वर्मा के साथ रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।